ठीक है, तो एज वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई बताएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, जरा बताओ, पढ़ा चुके ना इसको हम। अरे किसी को नहीं पता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? Q1 Q2 upon R। हाँ, कि मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है R, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U दोनों के बीच की होगी Z, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द चार्ज Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन। ये बताया था नहीं बताया, प्रूफ कराया था बाकायदा हमने, ठीक है। तो दिस द इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना। यानी हमारे पास एक सिस्टम है ना, और कैसा सिस्टम है आप लिखेंगे इसमें, सिस्टम ऑफ टू चार्ज, टू चार्जेस, क्लियर है। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के उसमें निकालनी है एनर्जी इतनी आएगी। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछे कि मान लीजिए एक से ज्यादा सिस्टम होता है आपके पास, ठीक है, यानी कि दो चार्जेस से ज्यादा चार्जेस हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थ्री पेयर ऑफ चार्ज या थ्री चार्जेस और थ्री चार्जेस। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे Q1, ये Q2 और ये Q3, ठीक है, वन टू और थ्री के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं R2 3, वन और थ्री के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं R1 3, और वन और टू के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं R1 2, ठीक है। Q1 Q2 Q3 दिया था थ्री चार्ज। अब देखो तीनों चार्ज से मिलके, किरण ये बताओ बेटा इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। मेहुल कितने पेयर बन रहे हैं? सर इसमें बनने हैं कितने? तीन। हाँ, तीन पेयर बन रहे हैं इसमें। पहला पेयर बन रहा है Q1 Q2 के बीच में, दूसरा पेयर बन रहा है आपका Q2 Q3 के बीच में, तीसरा पेयर बन रहा है आपका Q1 Q3 के बीच में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो पेयर में होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसमें होती है, पेयर में। तो आपके पास जितने पेयर होंगे आपके पास उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप लेंगे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन वन एंड टू, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस R1। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन वन एंड थ्री, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 में R1 3। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एंड थ्री, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 में 2 3। सिंस पोटेंशियल इज द एनर्जी या स्केलर क्वांटिटी, देन वी कैन सिंपली सम बिटवीन या ऑफ ऑल द एनर्जी स्केलर सम, ठीक है, कितना हो जाएगा जब सभी को आप जोड़ेंगे। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों के पास है तो कॉमन आ जाएगा। पहले पेयर है Q1 Q2 अपॉन में R1 2, दूसरा पेयर हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन में R1 3, और दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन में R2। ये आंसर हो गया, बताओ समझ में आया नहीं आया? आया अब तीसरा जो अगला है, अब अगला क्या है, सेम इसी में हम कर देते हैं। जैसे तीन था, अभी क्या है, अभी वो पूछने लगे मान लो आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फोर चार्जेस सिस्टम, फोर चार्जेस सिस्टम, है ना। यानी कुछ इस तरह से हमारे पास कि मान लीजिए
ये एक हमारे पास एक स्क्वायर है ठीक, और इस पे हमारे पास चार चार्जे रखे हुए हैं, एक हेयर, एक इधर और एक इधर, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री एंड क्यू फोर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर वन टू, आर टू थ्री, आर थ्री फोर एंड आर वन फोर। ठीक है किरण बेटा, बताओ जरा कितने पेयर हैं इस बार, पेयर ऑफ चार्जेस कितने हैं? सर चार। चार। हिमांशु कितने पेयर ऑफ चार्जेस? ये चार हैं। चार। वंशिका कितने पेयर बन रहे हैं? चार ही बन रहे हैं या सिक्स बन रहे हैं शायद। सिक्स बन रहे हैं। मेहुल कितने बन रहे हैं? सर इसमें बन रहे हैं, हाँ भैया सिक्स बन रहे हैं। छह छह। ओके दे हैव सिक्स पेयर्स। कौन कौन से पेयर है जरा देख लेते हैं। एक पेयर तो ये आपको दिख ही रहा होगा वन टू के बीच में, एक दिखा होगा आपको खुली आंखों से टू थ्री के बीच में, एक दिखा होगा आपको खुली आंखों में थ्री फोर के बीच में, और एक दिखा होगा खुली आंखों से वन फोर के बीच में। अब दो पेयर बंद आंखों से देखने पड़ेंगे, कौन कौन से? सर इसमें दो पेयर डायगोनली बन रहे हैं ना। हाँ है ना, ये भी देखने दो। यहाँ तो बात पेयर की हो रही है ना, हाउ मेनी पेयर, क्योंकि एनर्जी पेयर के बीच में होती है। ठीक है, तो अब आप जब निकालेंगे एनर्जी बिटवीन वन एंड टू, एनर्जी बिटवीन टू एंड थ्री, एनर्जी बिटवीन थ्री एंड फोर, एनर्जी बिटवीन फोर एंड वन, और कौन सा होगा, एनर्जी बिटवीन टू एंड फोर, और एनर्जी बिटवीन वन एंड थ्री। तो आपके पास कितने पेयर हो गए जी? आपके पास छह पेयर हो गए, तो आपके पास छह एनर्जी होंगी। और फिर आप जब यूनिट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इन ऑल एनर्जीज का क्या करोगे जी, सम करोगे। बता समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो जल्दी कोई अपनी कॉपी पेन उठाओ, कलम उठाओ और करके हमें आंसर बताओ, जल्दी क्विक करो सभी लोग। तो इसका आंसर जिसको नहीं आया वो देख लो। तो Z 12 यानी Q1 Q2 अपॉन में R12 Z, भाई यहाँ जो नंबर लिखे हो वही चार्ज है। ठीक, वेरी गुड। Q2 Q3 अपॉन में R23, इधर आ जाएगा Z Q3 Q4 अपॉन में आर थ्री फोर, ऐसे यहाँ पर आएगा जेड क्यू फोर क्यू वन अपॉन में आर फोर वन, जेड क्यू टू क्यू फोर अपॉन में आर टू फोर, और यह जाएगा जेड क्यू वन क्यू थ्री अपॉन में आर वन थ्री। अब सभी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आप ये सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिला के आप एक बात समझ गए कि आपके पास मान लीजिए अगर ये पांच चार्ज होते, पांच चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता, एक पेंटागन होता मान के चलिए, ठीक है, तो अगर वो पेंटागन होता तो कुछ इस तरह का होता लाइक दिस ना, ये इस तरह का हो जाएगा। अब अगर इस तरह का ही हो जाएगा और आपके पास जो चार्जेज है वो यहाँ पर रखे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है, तो अब इसमें कितने पेयर बनेंगे? एक पेयर यहाँ बनेगा, एक दो तीन चार, ये पांच, पांच पेयर तो ये आ गए। उसके अलावा फिर कौन कौन से पेयर आएंगे? अब इसके और इसके बीच में बनेगा है ना, और इसके और इसके बीच में बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, और कौन सा बनेगा जरा देखें, और बनेगा हमारे पास इसके और इसके बीच में बनेगा, और इसके और इसके बीच में बनेगा, बने बनेगा, बताओ जरा। ठीक है, अब जब आप यहां आएंगे तो यहां पर आने पे ये तो कॉमन हो गया, एक यहां और बनेगा, बस हो गए। जब आप यहां आएंगे तो ये इसके साथ ही बना चुका है, ये इसके साथ ही बना चुका है, यहां आएंगे तो ये इसके साथ ही बना चुका है, इसके साथ ही बना चुका है, और यहाँ आएंगे तो इसके साथ ही बना चुका है, और ये इसके साथ ही बना चुका है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, पांच प्लस चार प्लस एक, दस पेयर आते। तो हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं डालेगा कि मान लो चार्जेस बढ़ा दिए एंड देन उसके बाद जो है फिर आपका कॉम्प्लिकेशन बनती बढ़ती चली जा रही है। ऐसे मान लो एक रख दे क्यूबॉइड, रख दे कमरा, रख दे कमरे के जो आपके पास आठ वर्टिसेस है, आठ वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं, देन उसके बाद कॉम्बिनेशन बनेगा, तो एंड क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ये और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लीजिए उसने ये कह दिया कि नहीं जी हमारे पास तो एक क्यूबॉइड है ना, या क्यूब है, ऐसे कर दो ठीक। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर भी चार्ज रखा हुआ है क्यू वन, एक यहाँ रखा हुआ है क्यू टू, एक यहाँ रखा हुआ है क्यू थ्री, यहाँ रखा हुआ है क्यू फोर, क्यू फाइव, क्यू सिक्स, क्यू सेवन, क्यू एट, ऐसा क्यों, ठीक है। तो अब बताओ, तो अब इसमें बताओ कितने सारे पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो जितने आप चार्जेस बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएंगी, बाकी करने का तरीका यही रहेगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को?
नो सर। अब अगले टॉपिक की तरह हम चलते हैं। जो टॉपिक है, क्या है हमारा टॉपिक, वो है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको पता वर्क डन क्या होता है। देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें हमारे पास एक ना डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल मतलब ये मान लीजिए हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, ये मान लीजिए हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये डाइपोल का मिड पॉइंट है और ये डाइपोल की लेंथ 2L है। इस मिड पॉइंट के अबाउट जैसे आप अपने डाइपोल को रोटेट करेंगे, तो मान लीजिए आपने इसको थीटा डिग्री से घुमा दिया, डाइपोल को क्या कर दिया, थीटा डिग्री से क्या कर दिया, घुमा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये प्लस क्यू यहाँ पहुंच गया होगा और ये माइनस क्यू यहाँ आ गया होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने अपने डाइपोल को थीटा डिग्री से घुमा दिया और जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे, क्या डाइपोल यहीं रुखा रहेगा या वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, बताइए जरा भैया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डाइपोल शायद घूमता है, ये वीडियो आ रही है आप लोग? आ रही है। मैं अर्थ के बाहर से बैठ के, हाँ सर स्पेस बहुत छोटा है, मैं अर्थ के बाहर से बैठ के पढ़ा रहा हूँ तुमको, ठीक है सर? नेट अच्छा आ रहा है वहां तो, सैटेलाइट के पास नहीं हो, सैटेलाइट के पास नहीं है, ठीक है। मेरे पास मान लीजिए ये दिखाई दे रहा है, ये एक डायपोल है, ठीक है। अब इस डायपोल को अगर मैं ऐसे करके रोटेट करूंगा, ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके रोटेट करेगा डायपोल, ठीक है। ठीक है, तो ये डायपोल को अगर हम थीटा डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर डायपोल थीटा डिग्री से रोटेट होगा, उस केस में क्या होगा, ये डायपोल जैसे आप उसको छोड़ेंगे वापस भागेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। क्यों भागेगा, उसकी वजह जान लो। उसकी वजह ये है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। मैंने कहा था जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है क्यू ई, वो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, है ना। ये हमने वहां भी निकाला था, आपको याद है टॉर्क ऑन डायपोल, जी आपको याद है, हम सेकंड चैप्टर में निकाले थे टॉर्क ऑन डायपोल। हाँ भाई, टॉर्क ऑन डायपोल, तो उसमें भी हमने निकाला था ना एफ इक्वल्स टू क्यू, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। याद है, भूल गए? याद है भैया, ठीक है। अब ये वाला जो फोर्स है, इस चार्ज को इधर की तरफ वापस लाने की कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स इसको उधर ले जाने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको टॉर्क इस तरह से देगा कि ये क्लॉकवाइज घूम के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डायपोल ना जो पहले रखा हुआ था अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ था और वो वापस नहीं जाना चाहता, मतलब यहां से मूव नहीं करना चाहता, यानी जैसे आप इसको डिस्प्लेस कर देंगे, घुमा देंगे थीटा डिग्री से, तो ये क्या करेगा, अपने आप को रिस्टोर करेगा और वापस पहुंच जाएगा कहां पर, जहां ये पहले था। तो इसका मतलब देयर इज अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेटिंग द डायपोल, और हमें वही वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अपना क्वेश्चन समझिए, क्या क्वेश्चन है हमारा, पहले अपना क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है, इज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्क डन टू रोटेट द डायपोल। क्लियर हुआ? Yes, अच्छा, अब बात करते हैं वर्क डन के फॉर्मूले की। तो आपको याद होगा वर्क डन था इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, ये था फॉर्मूला, यही पढ़ा था आप लोगों ने। ये वर्क डन कब यूज करते थे, जब ट्रांसलेटरी मोशन होता था। क्या होता था? ट्रांसलेटरी मोशन, 11th क्लास में बताया था हमने,
ट्रांसलेटरी मोशन, क्या यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन है या रोटेटरी मोशन है, बताओ जरा। हाँ जी, ट्रांसलेटरी मोशन है रोटेटरी। आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? ट्रांसलेटरी, ये ट्रांसलेटरी है। डायपोल रोटेट वर्ड लिख रहा है साफ साफ यहां पर, तब भी वो ट्रांसलेटरी बता रहे हो, बिल्कुल ही बेहोश हालत में बैठे हो क्या? अरे जब लिख रखा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, तो रोटेटिंग का मतलब कैसा, रोटेटरी मोशन है ट्रांसलेटरी? ट्रांसलेटरी समझते हो ना, स्ट्रेट लाइन में जाने वाला मोशन होता है। अरे समझे नहीं यार, कुछ बोलो, ये शांति से मत बैठो। सर समझते। तो अब ये फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, ट्रांसलेटरी वाला फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, रोटेटरी वाला। रोटेटरी में क्या आता है, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है ना, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाता है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा आ जाता है। ठीक है, तो टाउ डी थीटा फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट टॉर्क ऑन डाइपोल, ये हम पीछे निकाल चुके हैं फॉर्मूला, टॉर्क ऑन डाइपोल क्या था, टॉर्क पी ई साइन थीटा, बताओ याद है, भूल गए, टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। हाँ जी सर, तो बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना और इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं करना इसको। तो टाउ की जगह हमने कर लिया पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, तो पी ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे, अंदर कौन रह जाएगा, साइन थीटा होंगे। ठीक है, और कहां से कहां तक, जीरो से लेके थीटा तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम लिख देंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा और लिमिट जीरो से लेके थीटा, तो माइनस को हम बाहर भेज देते हैं, माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो। एक बार थीटा की जगह अपर लिमिट लिखोगे, एक बार थीटा की जगह लोअर लिमिट लिखोगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू थी वन, माइनस का 15 मल्टीप्लाई कर देंगे पी ई वन माइनस कॉस थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन, चेक करो जल्दी, कोई दिक्कत हो तो किसी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल निकालनी है, तो हम लिखेंगे एनर्जी या आप लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लस वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। यानी कि जो डाइपोल जब हमने फॉर्मेशन किया था, या इसको इसका मतलब ये भी हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल, कि आपको जब डायपोल आपने बनाया होगा ना, तो उसके फॉर्मेशन में भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी। कैसे पड़ी होगी ये समझ लेते हैं। देखो, एक माइनस क्यू चार्ज था और एक प्लस क्यू चार्ज था, आपने जब डायपोल बनाया तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को एक डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। कितनी डिस्टेंस थी, वो 2L थी। जरा मुझे एक चीज बताओ, क्या ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा, एक दूसरे के पास नहीं भाग रहे होंगे? तो अगर आप उनको एक दूसरे से दूर लेके जाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खुद से तो दूर जाएंगे नहीं। वो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डी एस कॉस थीटा, ये तो वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन देखो जरा सॉल्व करके, एफ की वैल्यू कितनी होगी, इन दो ये मान लो ये वाला माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है, तो वो जो फोर्स हो जाएगा वो कितना लगाएगा, क्यू ही लगाएगा भाई, इसके पास चार्ज कितना है क्यू, और इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी नहीं होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू रखा हुआ है तो कूलम्स के अकॉर्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वो जो उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू ई। अब ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 2L, जो डायपोल की लेंथ है 2L इंटू में कॉस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि तुम डायपोल को या प्लस क्यू चार्ज को किधर लेके जा रहे हो, राइट में, ताकि ये फॉर्मेशन बन पाए, और फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट में, तो 2L तो राइट में हो गया,
और फोर्स किधर हो गया, लेफ्ट में, माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी तरफ खींच रहा था और तुम जबरदस्ती प्लस क्यू को राइट में लेके जा रहे थे, तो थीटा कितना हो गया 180, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, कॉस 180 माइनस 1 माइनस क्यू इंटू में ई इंटू में 2l, तो ये क्यू इंटू 2l क्या होता है, पी होता है, तो कितना वर्कडन आ गया भाई माइनस पी, तो ये आपने ये वाला आंसर निकाल लिया कितना आया माइनस पी, और ये अभी आपने पिछले वाले पार्ट में सॉल्व किया है, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी माइनस पी यानी कि ये वाली प्लस वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल जो प्रीवियसली पिछले पेज में आपने निकाला पीई 1 माइनस कॉस थीटा, यू की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पीई ब्रैकेट ओपन करो प्लस पीई माइनस पीई कॉस थीटा, देखो पीई से पी कट गया तो यू एनर्जी आ गई माइनस के पीई कॉस थीटा, दिस इज योर आंसर, और यू कैन राइट एज माइनस पी डॉट ई क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं तो कॉस आता है।